हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ब्लडी नाइट में। तो आज हम जानने वाले हैं कि भूत भगवान से क्यों डरते हैं, डरते भी है या नहीं डरते, और भूत रात के वक्त ही क्यों निकलते हैं, और वो कौन से भगवान हैं जिनसे भूतों को डर लगता है। तो आज हम यही सारी बातें जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम पहले बात कर लेते हैं भूतों की कि भूत कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई इंसान मोह माया लेके मरता है, लालच लेके मरता है, उसकी लालसा पूरी नहीं हुई रहती है, तो वह मरने के बाद भूत बनता है और उसमें काली शक्तियाँ आ जाती है। भूत बनने के बाद उस व्यक्ति में अच्छाई की एक भी किरण नहीं रहती है और वह पाप से भर जाता है। तो दोस्तों, वही अगर हम बात करें भगवान की, तो भगवान में शुद्ध शक्तियाँ होती है और भगवान कभी पाप नहीं करते, और भगवान ना ही अंधेरे में डरते हैं ना ही उजाले में डरते हैं, वह स्वयं एक प्रकाश की किरण है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि आखिर भूत भगवान से क्यों डरते हैं। एक बार की बात है, जब रामायण शुरू था, राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तभी रावण ने एक बहुत ही बड़ा असुर शस्त्र का उपयोग किया था, यानी कि एक बहुत ही बड़ा राक्षस बाण का उपयोग किया था उसने, और उसी राक्षस से हमारे हनुमान जी लड़े थे और उस राक्षस का विनाश भी किया था। वह राक्षस बहुत ही भयंकर था। इसी लड़ाई को कुछ ऋषि मुनि और तांत्रिक देख रहे थे उस समय। और फिर एक बार की और बात है, जब एक जंगल में एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, तभी उन्हें एक राक्षस ने तंग किया था, और वो तपस्या करते समय उन्होंने हनुमान का नाम लिया था। तो हनुमान वहाँ देरी न करते हुए प्रकट हो गए थे और उस असुर का, उस राक्षस का विनाश कर दिया था उन्होंने। इसी कारण से वह तांत्रिक और ऋषि मुनि ने अपने मंत्रों में हनुमान का जाप करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी किताबों में उनका नाम भी लिख दिया। इसी कारण भूत हनुमान जी से डरते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर भूत किस भगवान से और क्यों डरते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो भूत सारे भगवान से डरते हैं, हर भगवान से वह डरते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भूत डरते हैं तो हनुमान जी से और काल भैरव से, क्योंकि उनमें बहुत ही तेज शक्तियाँ है और उनमें प्रकाश है, और भूत कभी भी प्रकाश के सामने नहीं आ सकते, वह अंधेरे में ही आते हैं। इसीलिए पंडितों के मुताबिक और तांत्रिकों के मुताबिक भूत सबसे ज़्यादा हनुमान जी से और काल भैरव से डरते हैं। तो दोस्तों, आपने एक नया नाम सुना जो कि काल भैरव का है। काल भैरव स्वयं महादेव थे। आपको पता ही होगा कि महादेव कितने विनाशक थे। महादेव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए थे काल भैरव, और काल भैरव स्वयं विनाशक थे इस पूरी सृष्टि के, जो कि स्वयं काल को भी उन्होंने मारा था, जो कि इंसानों के आत्माओं का हरण करते थे और उन्हें सजा देते थे, और उन्होंने धरती के सारे असुरों को और राक्षसों को नष्ट कर दिया था। इसी कारण काल भैरव से भूत बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आप लोग को ये वीडियो? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने दोस्त को।